हाय गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू पीपीआर। पीपीआर आई है एक दो, साथ ही साथ एक डक फॉर का ट्वीट आया जो बहुत लोग गलत तरीके से इसको ले रहे, और उसका मैं सही आपको क्या मीनिंग है वो दिखाऊंगा। और थोड़ा कैनेडा इंडिया ने भी थोड़े ट्वीट्स किए इन्फॉर्मेशन, तो सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जस्टिन ट्रूडो का भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया वो भी देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो आप अभी स्क्रीन पे एक देख रहे हो, ये पहली फाइल थी, इन SBS कैटेगरी की फाइल थी, इन्होंने लगाई थी फाइल 23 मार्च को, उनका रिफ्यूज़ल आ गया 23 अप्रैल को। उनका रीज़न था वोंट लीव कैनेडा एंड इररिलेवेंट कोर्स। उन्होंने फिर से सेकेंड बार एप्लीकेशन की फाइल लगाई 13 मई को। उनका मेडिकल अपडेट हुआ 17 मई को, और उनका रिव्यू स्टार्ट हो गया 18 मई को, और उनको BVL PPR आ गई 18 मई को। उन्होंने डिफर करा दिया था मई इनटेक टू सितंबर। और एक जो PPR आई है वो बहुत, मतलब आप देखोगे तो आप शॉक रह जाओगे। मई 18 की, मतलब 13 मई को इन्होंने फाइल की और उनका मई 18 को आ गया। सो इधर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सो विद इन 4 डेज आप कह सकते हो इनकी PPR आ गई। सो यार मैंने पहली बार ऐसा देखा, सो कॉन्ग्रेचुलेशन यार। ये जो कोई भी है, मेरे साथ एक बच्चे ने शेयर की थी कि मेरे साथ ये आई है। सो अभी हम आते हैं हमारे डॉग फॉर के ट्वीट पे, जो बहुत लोग गलत तरीके से ले रहे। सो उसको उन्होंने पहले एक ट्वीट किया था कि दिस थर्ड वेव हैज़ बीन फुल्ड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय वेरिएंट्स दैट पास टू इजीली थ्रू अवर बॉर्डर्स। राइट नाउ वी हैव पीपल इजीली एक्सप्लॉइटिंग वेल नोन लूप होल्स दैट हैव बीन लेफ्ट इन प्लेस। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। वी नीड एक्शन नाउ टू प्रोटेक्ट ऑन्टेरियंस। ऐसा इन्होंने कहा था। इसमें इन्होंने कहा था कि जो लूप होल्स है दैट हैव बीन लेफ्ट इन प्लेस, तो इसमें इंटरनेशनल ट्रैवल आता है या डोमेस्टिक ट्रैवल आता है ये हमें पता नहीं, लेकिन ये जो आप वीडियो उन्होंने नीचे डाली थी वो मैं आप पहले देख के आइए। The evidence is clear. We know it and they know it. And this brutal third wave is fueled almost entirely by variants that pass too easily through our borders. Our government has made 3 formal requests for more measures at the border. Weeks have gone by and we're just hearing crickets. It isn't up to one province to determine national border restrictions. The federal government needs to step up and do what's right and what's necessary. Simply put, it's their job and they need to do it. ओके, तो आपने वीडियो देखी तो उसमें उन्होंने कहा नेशनल जो उनके उधर की फ्लाइट्स है वो, और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट की थी, एवरी डे वी सी डोमेस्टिक फ्लाइट्स लैंडिंग इन ऑन्टेरियो विद कोविड पॉजिटिव ट्रैवलर्स। दिस इज नॉट जस्ट एन ऑन्टेरियो प्रॉब्लम, दिस इज एन इशू इन ऑल प्रोविंसेज आर स्ट्रगलिंग विद। इट्स टाइम फॉर द फेडरल गवर्नमेंट टू रिक्वायर प्री डिपार्चर PCR टेस्ट फॉर ऑल डोमेस्टिक फ्लाइट्स। सो आप देख सकते हो, सो ये डोमेस्टिक का ट्वीट था, बहुत सारे लोग इसको इंटरनेशनली ले रहे। अरे भाई, मैं आपको कहूँगा कि वी आर लकी पर्सन, हमारा तो बहुत लकी टाइम चल रहा है अभी, हम वी आर टू सेफ, और मतलब कहूँ तो केसेस कम हो रहे हैं एंड इट्स हाई टाइम कि यार इंटरनेशनल ट्रैवल ऑन हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। फिर अभी हम आते हैं एक जस्टिन ट्रूडो के ट्वीट पे, तो उन्होंने कहा है कि दिस वीक वी आर रिसीविंग 4.5 मिलियन डोसेज ऑफ कोविड-19, दिस इज़ अवर लार्जेस्ट वीकली शिपमेंट सो फार एंड इट विल कीप कैनेडा विद इन द टॉप ऑफ G20 ऑन डेली वैक्सीनेशन वेयर वी हैव बीन फॉर मोर देन 2 वीक्स नाउ। सो मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, आप देख सकते हो ट्वीट, और वो बहुत सारी जल्द से जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेशन वो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए। सो इट्स गुड न्यूज़ की अच्छी बात है कि वो जल्दी से जल्दी कर दें। फिर एक कैनेडा इंडिया का ट्वीट था, वो कोई नया ट्वीट नहीं है, वो आप अभी स्क्रीन पे देख लो आपको देखना हो तो। लेकिन जो एक दूसरा ट्वीट था ये था कि प्लीज़ डू नॉट मेल और डिलीवर योर पासपोर्ट टू हाई कमीशन ऑफ कैनेडा, पासपोर्ट्स रिसीव्ड अनसॉलिसिटेड विल नॉट बी प्रोसेस एंड क्लाइंट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोकिंग देयर फॉर पास। अगर आप भेज देते हो तो अगर कोई भी होता है तो इसमें VSC रिस्पॉन्ड नहीं का, मतलब जो IRCC का कोई भी इसमें रीज़न नहीं आता, आपकी फाइल को कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आप भेज दो, मैंने देखा है, सो मैं कह रहा हूँ। और उन्होंने IRCC हैज़ मेजर्स इन प्लेस टू बेनिफिट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडिंग ऑनलाइन फ्रॉम एब्रॉड, प्लीज़ विजिट द लिंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो इसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे इनकम की हमारी एनुअल इंडस्ट्री है स्टूडेंट्स की और वो सब, सो डोंट वरी। और अभी हम आते हैं ऑन्टेरियो की केसेस पे, तो कल ऑन्टेरियो में हाई, मतलब इतने कम केसेस तो मैंने अपनी लाइफ में भी नहीं देखे ऑन्टेरियो में, मतलब लाइफ में, मतलब इतने टाइम से, एक वीक से मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑन्टेरियो इज़ रिपोर्टिंग 1,616 न्यू कोविड-19 केसेज, द लोएस्ट नंबर एंड द फर्स्ट टाइम बिलो 2,000 सिंस मार्च 24। मतलब कि मार्च 24 जब से, तब से लेकर अब तक का सबसे लोवेस्ट केस है। सो बहुत अच्छी बात है यार, उन लोगों को वैक्सीनेशन इतनी जल्दी से, वो लोग कह रहे हैं कि केसेस कम हो रहे हैं, दिस विल यू नो हेल्प अस
कहीं ना कहीं इंडिया में भी केसेस कम हो रहे हैं, सो डोंट वरी। यही थी आज की थोड़ी अपडेट। यार मैं दो दिन से एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मेरे इधर वाईफाई का, मैं जो जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत कुछ मतलब हुआ है, पेड़ गिर गए, वाईफाई बंद हो गया है, सो आई एम अनेबल टू कनेक्ट विथ यू। मैं कमेंट्स का भी आंसर नहीं कर सकता, और पिछले दो दिन में जिन्होंने भी ऑनलाइन बुकिंग मेरे साथ की थी वो प्लीज़ काइंडली बुक नेक्स्ट स्लॉट यार, क्योंकि इधर पूरा मतलब नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, मेरा फ़ोन का नेटवर्क मान लो यार, सब कुछ बहुत पेड़ गिरे, बहुत सब आप सबको पता ही होगा। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं 77% के अराउंड, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो बिकॉज आपको हेल्पफुल होगा, ऐसा कंटेंट मैं शेयर करता हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।